You are watching Scene Creations. Welcome. हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे दुनिया का सबसे टेस्टी स्टफ पराठा। आप इसे बनाकर चाहे किसी को भी खिलाएं। मेरा आपसे ये प्रॉमिस है कि वो इसे खाकर यही कहेंगे कि इससे टेस्टी पराठा मैंने कभी नहीं खाया। तो आइए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दो स्टेज में दिखाऊंगी। पहले स्टेज के लिए चाहिए हमें मैदा, आटा, दूध, दही, गार्लिक पेस्ट, कुकिंग ऑयल, मिल्क पाउडर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक और चीनी। पहले हम बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डालकर दही को एक्टिवेट कर लेंगे। अब हम एक बाउल लेंगे, उसके अंदर आटा, मैदा, मिल्क पाउडर, उसके बाद कुकिंग ऑयल, गार्लिक पेस्ट और नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इसमें अपनी एक्टिवेट की हुई दही मिक्स कर देंगे। अब हम चीनी और दूध डालकर इसको अच्छे से मिक्स करके इसका डो तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम इसको इस तरीके से क्रश करके मिक्स करेंगे। डो तैयार होने के बाद कुछ ऐसा नजर आएगा। अब हम इसको 2 घंटे के लिए गीले कपड़े से ढककर रख देंगे। उसके बाद हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। स्टफिंग तैयार करने के लिए चाहिए हमें शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न, गार्लिक पेस्ट, बटर, चीज, ओरिगेनो और चिल्ली फ्लेक्स। अब आप देखेंगे 2 घंटे के बाद हमारा डो तैयार हो गया है। अब हम बटर के बाउल में ओरिगेनो सीजनिंग, चिल्ली फ्लेक्स और गार्लिक पेस्ट मिक्स कर देंगे। इसके बाद इस तरीके से मसल मसल कर हम इस डो को तैयार कर लेंगे। अब हम आटे का एक पार्ट लेकर उसको चपाती की तरह से बेल लेंगे। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको इसका साइज चपाती के साइज से बड़ा लेना है, क्योंकि आपको इसके अंदर स्टफिंग डालकर इसको फोल्ड करना है। अब हम अपना तैयार किया हुआ पेस्ट इसके ऊपर इस तरह से फैला लेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर चीज, शिमला मिर्च और स्वीट कॉर्न डालकर इस तरीके से फैला देंगे। हम इसकी स्टफिंग को कोनों तक नहीं फैलाएंगे, क्योंकि
हमें ये कोनों से क्लोज करना है। हमें इसके कोनों पर इस तरह से हल्का सा पानी लगाना है। अब हम इसको एक साइड से उठाकर क्लोज कर देंगे। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इसको अच्छे से प्रेस करके आपको क्लोज करना है ताकि वो स्टफिंग बाहर ना आए। अब हम लो फ्लेम पर गैस को ऑन करके पैन के ऊपर घी लगा देंगे। उसके बाद हम अपने पराठे को धीरे से पैन में रखेंगे ताकि वो टूटे ना। पैन में डालकर लो फ्लेम पे हमें ये पराठे की तरह से सेकना है। आपको इसे हर तरह से प्रॉपरली सेकना है और इस तरह से खड़ा करके भी सेकना है। अब आप देख सकते हैं आपका टेस्टी स्टफ्ड पराठा बनकर तैयार है और इसके अंदर की स्टफिंग भी कितनी यम्मी लग रही है। आप इसे बनाएं, खाएं और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको ये पराठा कैसा लगा। थैंक यू।